हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी दोपहर के ऑलमोस्ट एक बज चुके हैं और अभी हमारा हो रहा है ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ में। आप देख सकते हैं भिंडी की सब्जी और साथ में रोटी, और मैं अभी जस्ट रोटी बना के नहा के आई हूँ। तो अभी हम जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, उसके बाद मिलते हैं। तो अभी मैं खाना खा चुकी हूँ, बर्तन धो चुकी हूँ और अभी मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय लेके आएंगे क्योंकि मुझे उनकी हाथ की चाय पसंद है। और मैं खाना खा के थोड़ा लेज़ी हो जाती हूँ, मतलब खाना खाने से पहले मुझसे सारे काम करा दो, पर खाना खाने के बाद मुझे कोई ये ना बोले कि मतलब तो अभी ये काम, क्योंकि थोड़ी देर में तो आधा घंटा तो मुझे रेस्ट फ्री होती है, मतलब आधा ही घंटा खाना खा के, हाँ इतना तो चाहिए होता है। तो आज संडे है तो आज कोई टेंशन नहीं है मेरे को, आज जिम में नहीं जाना है, कुछ नहीं है, आज आराम से रेस्ट ही करनी है। कल मुझे जिम भी जाना है और अब इतने दिनों बाद जिम जा रही हूँ ना, मेरे को इतना पेन हो रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ, लेग्स में पेन, फिर आके खाना बनाना है, काम करना है, पर ठीक है ना, खुद को मेंटेन रखने के लिए इतना तो करना पड़ेगा भाई अब, पर बनता है इतना। ले आओ यार चाय प्लीज़, किससे बात कर रहे फोन पे। हाँ, कहीं बाहर, कहीं बाहर हम जा रहे हैं, बाय। बस में बैठ रही हूँ और 43 सेक्टर है और ये अच्छी बस है, मतलब एसी वाली बस है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद मैं बस में बैठी हूँ और हम जा रहे हैं अभी उन्ना तक, कुछ काम है और फिर हम वापस आ जाएंगे। तो अभी हम उन्ना के लिए निकल रहे हैं और वो गए हैं कुछ कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम, मेरा खाने का दिल था तो आइसक्रीम लाने के लिए, पता नहीं कौन सी शॉप में गए, पर अभी गए हैं। वो भी 20 मिनट में बस चलेगी और मैं यहाँ पर बैठ गई, यहाँ पर वो बैठे। मुझे दिखे वो एक शॉप के बाहर, वहाँ पे उस शॉप में वो आप देख सकते हो कहाँ गायब हो गए, आई डोंट नो। अभी रात के 11:30 बजे हम घर पे पहुँचे हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। मेरा फ़ोन एक्चुअली डेड हो गया था तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई और मेरे को ऐसा था कि बैटरी मुझे बचानी है फ़ोन की, क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था। हमारे एकदम से ही प्लान बन गया जाने का और काम भी काफ़ी ज़रूरी था इसलिए जाना पड़ा। और अभी हमने सोचा था कि हम खाना खाएंगे, बट रास्ते में कहीं रुकते तो और लेट हो जाते, इसलिए हमने खाना भी नहीं खाया। मैंने सब्जी बनाई थी दिन दोपहर में जब हम लंच करके गए थे, तो मैंने बनाया था भिंडी और साथ में रोटी बनाई थी भिंडी के साथ में चपाती, वो भी है मतलब, तो वो हम खाएंगे और साथ में कुछ फ्रूट खा लेंगे। और बस अभी देखते, मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ गर्म कर दो, मैं थक गई हूँ, क्योंकि अभी हम दोनों ही जस्ट नहाए हैं आके, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है यार। जैसे हम आए, ओ भाई तुम तो नहा गए पूरे गर्मी से, मैं इसलिए आई, मैं क्या फ्रूट काट दूँ, नहीं खाना फ्रूट,
तो ये आप देख सकते हैं। पता नहीं क्यों भगवान की ही कुछ इच्छा थी कि मैंने ज़्यादा खाना बना दिया था जो कि अब हमारे काम आ रहा है। मैं उनको दिखा नहीं सकती क्योंकि उन्होंने टी शर्ट नहीं पहनी है, ना ही उन्होंने अंदर से कुछ और ऐसा पहन के रखा है, तो नज़र लग जाती है इनको, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रही हूँ आपको। तो अभी मुल्तानी मिट्टी वाला व्लॉग में अभी नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा उसमें मैं डेफिनेटली वो करूँगी। तो आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हो, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।